नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा सोनिया। चली बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 1307 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 7 दिनों में एक्टिव केस में बता दें कि 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ी है। भोपाल में 345, इंदौर में 317, जबलपुर में 116 केस सामने आए हैं। और मध्य प्रदेश में कोरोना के 7344 इस वक्त एक्टिव केस है। 3 शहरों में आज लॉकडाउन भी है। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर सरकार भी अब एक्शन मोड पे आ गई है। और इसी के चलते आज 3 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। दूसरी कहर कोरोना की देखी जा रही है और लगातार पॉजिटिव मरीज भी बढ़ रहे हैं। इसी के चलते ये एक्शन लिया गया है और 3 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी सेवाएं आज बंद है। 3 शहर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिए गए हैं, जहां मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी लहर कोरोना की, और यही वजह है कि पहला लॉकडाउन इस लहर को देखते हुए आज लगाया गया है। आज रविवार के दिन 3 शहर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिए गए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं, अस्पताल, एम्बुलेंस यही चालू है। इसके अलावा जितनी भी सेवाएं हैं पूरी तरीके से बंद कर दी गई है।